गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8. दिस इज़ योर इंग्लिश लिटरेचर क्लास. टुडे आई विल प्रोसीड एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम लेसन विच आई वॉज एक्सप्लेनिंग. दिस इज लेसन नंबर 2 एंड नेम ऑफ द लेसन इज चार्ल्स. दिस इज पार्ट 9. सो टुडे वील बिगिन आर एक्सप्लेनेशन फ्रॉम पेज नंबर 19 and we'll start from here. As you can see, we'll start from here. During, you will get this paragraph on page number 19 during. So here it's written, you can see it's written during the third and no, this is the paragraph, but yesterday we finished till here. So today we'll start from here. He was her helper, that's all. So from here we'll start. He was her helper, that's all, Laurie said and shrugged. He was her helper means, he means Charles. So here Charles, Laurie told to his parents that today Charles was a great helper. Today he helped other students as well as teacher also. Laurie said and shrugged. Shrugged means अपने shoulder को, कंधे को थोड़ा सा ऊपर की ओर करते हुए बोलता है. Can this be true about Charles? I asked my husband that night. Who asked? Laurie's mother, यानी narrator. Narrator asked to his husband. Narrator अपने husband से पूछती है, Can this be true about Charles? Means, क्या ये चार्ल्स के बारे में जो लॉरी बता रही सच हो सकता है? क्या चार्ल्स किसी की हेल्प कर सकता है? बिकॉज वो बहुत शैतान बच्चा है. आई आस्क माई हस्बैंड एट दैट नाइट, उसी रात वो अपने हस्बैंड से पूछती हैं, कैन समथिंग लाइक दिस हैपन, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? वेट एंड सी, माई हस्बैंड सेड साइनिकली. सो हेयर इट्स रिटन, वेट एंड सी, हु इज सेइंग दिस? यस, लॉरीज फादर सेड टू लॉरीज मदर डैट वेट एंड सी, मतलब इंतज़ार करो, देखो, हो सकता है कि चार्ल्स बदल रहा हो. वट इज़ द मीनिंग ऑफ साइनिकली? इन अ डिस्ट्रस्टफुल वे डैट एक्सप्रेसेस अ बिलीफ दैट पीपल आर मोटिवेटेड प्योरली बाय सेल्फ इंटरेस्ट. साइनिकली मीन्स इन अ डिस्ट्रस्टफुल वे, मतलब विश्वास न हो ऐसी बात, ऐसी आवाज़ में बोलना. देन इट्स रिटन, वेन यू हैव गॉट अ चार्ल्स टू डील विथ दिस, when you have got a Charles to deal with, this may mean he is only plotting. So narrator जो है वो कहती है कि तुम देखना, जब तुम Charles से मिलोगे तो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाए that he is plotting. What is the meaning of plotting? Plotting means making secret plans. यानी कि Charles जो है वो सुधरा नहीं है, now he has not improved anymore, but Charles क्या कर रहा है? प्लॉटिंग कर रहा है, यानी वो सीक्रेटली कुछ प्लान्स बना रहा है, आगे आने वाले दिनों में कुछ बड़ा, कुछ बड़ी शैतानी वो करने वाला है, ऐसा नरेटर लॉरी की फादर से कहती हैं. ही सीम टू बी रॉन्ग. फॉर ओवर अ वीक चार्ल्स वॉज द टीचर्स हेल्पर. ईच डे ही हैंडेड थिंग्स आउट एंड ही पिक्ड थिंग्स अप. नो वन हैड टू स्टे आफ्टर स्कूल. He seemed to be wrong for over a week means he seemed to be wrong. Who? Here Laurie's parents, they seem to be wrong because for over a week Charles was the teacher's helper. मतलब उन्हें लग रहा था कि ज़रूर जो है चार्ल्स कोई प्लानिंग कर रहा है, वो आगे कोई बड़ी शैतानी करेगा, बट आने वाले एक हफ्ते तक चार्ल्स ने कोई भी गलती नहीं करी, कोई भी शैतानी, कोई भी बदमाशी उसने स्कूल में नहीं करी. फॉर ओवर अ वीक, पूरे एक हफ्ते तक. इनफैक्ट ही वॉज टीचर्स हेल्पर, यानी वो टीचर की मदद करता था. एवरी डे ही हैंडेड थिंग्स आउट, टीचर का बैग उठा देना, कॉपीज उठा के ला देना, ये सब उसकी हेल्प करा करता था. चार्ल्स होता अपने टीचर की हेल्प किया करता था. एंड ही पिक थिंग्स अप. नो वन हैड टू स्टे आफ्टर स्कूल. इट मीन्स नाउ चार्ल्स एंड अदर स्टूडेंट्स does not need Charles and other students
do not need to stay after school. Now they don't have to stay after school. It means they are not getting any kind of punishment now. The PTA meeting next week again. I told my husband one evening, I'm going to find Charles' mother there. So here it's written, the PTA meeting. PTA means Parent-Teacher Association meeting. So there was a PTA meeting next week again. Yani agle hafte fir se PTA meeting aane wali thi, hone wali thi. I told my husband one evening. I means narrator. So Laurie's mother means narrator told अपने हस्बैंड से वो कहती हैं डैट इवनिंग में डैट देयर इज़ अ पीटीए मीटिंग नेक्स्ट वीक अगेन एंड आई एम गोइंग टू फाइंड चार्ल्स मदर देयर और मैं चार्ल्स की मदर से वहाँ पीटीए मीटिंग में ज़रूर मिलूँगी. आस्क हर व्हाट हैपेंड टू चार्ल्स माय हस्बैंड से. सो नरेटर के हस्बैंड लॉरी के फादर लॉरी की मदर से क्या बोलते हैं कि आस्क हर व्हाट हैपेंड टू चार्ल्स यानी चार्ल्स की मदर से पूछना कि चार्ल्स को ऐसा क्या हुआ जो उसने शैतानियाँ करनी बंद कर दी हैं. अब इतना सही कैसे हो गया. आई वुड लाइक टू नो हु सेड दिस. यस नरेटर लॉरीज मदर सेड आई वुड लाइक टू नो. मुझे जानने बहुत खुशी होगी. ज़रूर मैं पूछूंगी चार्ल्स की मदर से कि आखिर ऐसा क्या हुआ डैट चार्ल्स इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ. आई वुड लाइक टू नो माई सेल्फ आई सेड. हु सेड I would like to know myself. So here narrator is still saying that I would like to know myself. मैं खुद को भी पहचानना चाहती हूँ. On Friday of that week, things were back to normal. In that week, when Friday come, so what actually happened? That things were back to normal. सब कुछ normal हो चुका था. अब इन parents तो लगने लगा था कि अब Charles सुधर चुका है. Now Charles has improved. Now Charles is a good boy. But suddenly what happened after a week that you know what Charles did today? Who's saying this? Yes, of course. This is said by Laurie. So Laurie again came back to home. Laurie came back to home and said to his parents, You know what Charles did today? Laurie demanded at the lunch table in a voice slightly odd. Laurie lunch table पे जैसे अपने स्कूल से आता lunch table पे बैठता है तुरंत अपने पेरेंट्स से कहता है कि you know what Charles did today? आपको मालूम है चार्ल्स ने क्या करा. So it's clear that again Charles did something wrong. Filled with wonder. ठीक है odd means filled with wonder. बड़े चौंक कर कहता है. He told a little girl to say a word and she said it and the teacher washed her mouth out with soap and Charles laughed. So what Charles did this time, is what Charles ne kya kara hai? Laurie apne parents ko batata hai that in our class there is a girl, ek ladki thi jisse saath to Charles ne kya kara ki usko usne ek word bolne ke liye kaha tha. Koi word tha, koi shabd tha, yahan pe wo diya nahi hai. So Charles gave a word to that girl so that she can speak and as she spoken that word so what teacher did teacher ne usse uska mouth wash jisse karwaya soap yani sabun se uska mouth wash kara diya itna matlab kharab wo word tha aisa aur ye dekh kar Charles ko bahut hansi aati hai. So this was today's incidents in school as told by Laurie to the to his parents. What word? His father asked unwisely. What word? Who asked? His father means Laurie's father. So Laurie ke father poochte hain bilkul aise bilkul anjaan ban jaise unhe koi andaaza na ho bahut unwisely बहुत मतलब बच्चे के साथ बच्चे के तरीके से पूछते हैं व्हाट वर्ड क्या शब्द था वो क्या वर्ड था. लॉरी सेड आई विल हैव टू विस्पर इट टू यू इट्स सो बैड. चार्ल्स कहता है कि वो वर्ड इतना ख़राब था कि मैं आपको ऐसे खुले खुले नहीं बता सकता मतलब लाउड वॉइस में नहीं बता सकता. आई विल टेल इट टू यू इन योर ईयर मतलब मैं आपको कान में फुसफुसा के बताऊँ. विस्पर मीन्स टू स्पीक सॉफ्टली. He got down off his chair and went around to his father. So Laurie वहाँ से अपनी चेयर से उठता है एंड ही
वेंट नियर टू हिज फादर, वो अपने पापा के करीब जाता है. हिज फादर बेंट हिज हेड, उसके फादर अपना सर नीचे झुकाते हैं उसकी आवाज़ सुनने के लिए. एंड लॉरी विस्पर जॉयफुली, एंड लॉरी ने उस वर्ड को बड़े जॉयफुली, बड़े खुशी के साथ अपने पापा के कान में बता दिया. हिज फादर्स आईज वाइडन, जब उसके फादर वो वर्ड सुनते हैं तो उनके उस लॉरी के फादर की आँखें वाइडन मीन्स बड़ी हो जाना, मतलब आँखें खुली की खुली रह जाती, बड़ी शॉक्ड हो जाती कि ऐसा वर्ड. डिड चार्ल्स टेल द लिटिल गर्ल टू से डैट, ही आस्क्ड रिस्पेक्टफुली. सो हियर वी सी डैट लॉरीज फादर आस्क्ड लॉरी डैट डिड चार्ल्स टेल द लिटिल गर्ल टू से डैट, क्या चार्ल्स ने कहा था ये वर्ड उस लड़की को बोलने के लिए. ही आस्क्ड रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली मीन्स बड़े प्यार से पूछते हैं, सो डैट बच्चे को ये ना फील हो डैट इन दिस वर्ड देर इज समथिंग रॉन्ग. शी सेड इट ट्वाइस, हु सेड, लॉरी सेड, शी सेड इट ट्वाइस, इट मीन्स डैट गर्ल हु वॉज इन स्कूल, शी स्पोकन डैट वर्ड ट्वाइस, मीन्स ट्वाइस मीन्स टू टाइम, दो बार. चार्ल्स टोल्ड हर टू से ट्वाइस, देन लॉरी सेड चार्ल्स ने कहा था दो बार बोलने के लिए उस वर्ड को. वॉट हैपन टू चार्ल्स, माई हजबेंड आस्क्ड, माई हजबेंड मीन्स नरेटर्स हजबेंड, मीन्स लॉरीज फादर आस्क्ड टू लॉरी वॉट हैपन टू चार्ल्स, इसका मतलब कि चार्ल्स का फिर क्या हुआ, क्या टीचर ने उसे डांटा. Nothing, लॉरी said. लॉरी कहते नहीं कुछ नहीं हुआ. He was passing out the crayons. वो बस क्या कर रहा था, passing out the crayons, यानी crayons को, crayon color को pass कर रहा था आगे. Monday morning, Charles abandoned. And on Monday morning, Monday की सुबह, Charles was abandoned. Abandoned means left. The little girl, wait. So here it's written, Monday morning Charles abandoned the little girl and said the evil word himself 3 or 4 times. So on Monday what Charles again did, that this time वो लड़की से वो word नहीं बुलवाता है, बल्कि himself, he said 4 times, 4 बार उसने एक evil word, evil means bad, बुरा शब्द, कोई भी bad word, उसने 4 times खुद से बोला. Getting his mouth washed out with soap each time, और जितनी बार उसने वो गलत वर्ड बोला, वो बुरा वर्ड बोला, 4 times, so 4 times he washed his mouth too, उसने अपने मुँह को भी 4 बार साफ करा with soap, यानी साबुन से. He also threw chalk, and उसने चौक भी फेंकी. He also threw chalk means उसने क्लास में चौक भी फेंकी, means again a mistake, again something bad he done. So that's all for today. Next video we'll proceed explanation of the same lesson. Till then, take care and thank you.